एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एंजॉय लर्निंग विद बेसिक शिक्षा परिषद में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे दिए गए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना, टू फॉर्म स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। यहाँ जैसे कि दिख रहा है हम सभी लोगों को, यहाँ अंक दिए गए हैं, इन अंकों से हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, एक वो ट्रेडिशनल तरीका है जिससे कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं, और एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका। सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है वो 1875। यहां हमें चार अंक दिए गए हैं, इन चार अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, सबसे छोटी संख्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या, तो हम छोटी छोटे छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे और बड़े अंक की ओर चलते चलेंगे। यही तो होता है आरोही क्रम। यहां पर हम सबसे छोटे अंक को पहले लिखेंगे, ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम, इसमें सबसे छोटी संख्या अंक को हम पहले लिख रहे हैं। अब एक लिख दिया, अब इसमें एक से बड़ा कौन है? पांच, तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, पांच लिख देंगे। पांच से बड़ा सात, सात से बड़ा आठ, तो हम लिख देंगे आठ। ठीक, तो 1578 ये हमारा जो है संख्या बन गई, 1578। अब इसी से अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी होती तो हम क्या करते हैं? अब हम इन अंकों को बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। याद करने के लिए, बड़ी संख्या के लिए बड़ी बड़े अंक को पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, मीन्स सबसे बड़ा अंक पहले लिखा जाएगा। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? आठ, तो हम यहां पहले आठ लिखेंगे। अब आठ से छोटा, अवरोही क्रम है ना, अवरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे बड़े को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो आठ से छोटा सात, सात से छोटा पांच, पांच से छोटा एक, 8751, 8751। तो 1875 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, ये तो हो गया हमारा जो है आरोही क्रम। अगर हमें आता है और अवरोही क्रम में हमें लिखना आता है, तो हम इस तरीके से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। अब आ जाइए, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है एक, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटी से बड़ी ओर जाना है कि बड़े से छोटी की ओर आना है। ठीक, तो ऐसे बच्चों के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, उसमें सिर्फ अंकों को पहचानना आना चाहिए और सबसे बड़ा अंक होता कौन सा ये पता होना चाहिए बस। ठीक, आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगाना नहीं आता है तब भी चलेगा। कैसे? वो बहुत आसान सा तरीका है। जैसे यहां है सात चार तीन छ, चार अंक दिए हैं, अब इनसे हम सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। अब यहां आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको केवल छोटा अंक खोज करके लिखना है। ठीक, छोटी संख्या बनाने के लिए इन सभी अंकों में सबसे जो छोटा अंक है उसको ढूंढिए और लिखते जाइए। अब सात चार तीन छ, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? तीन, तो तीन को हम यहां लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर हम तीन को काट देंगे अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि हमको याद रहेगा कि हमने कौन सा अंक लिख लिया है। अब तीन को हटा दीजिए, सात चार और छ, सात चार और छह में सबसे छोटा कौन?
चार, बिल्कुल सही है। तो चार को यहां से काट देंगे, यहां पे चार लिख देंगे। अब सात और छह में सबसे छोटा कौन? छह। तो अब छह को यहां से काटा हमने, यहां पे छह को लिख दिया। अब क्या बच गया लास्ट में? सात। अब हमने यहां पर सात को भी लिख दिया। ठीक, तो सात, चार, तीन और छह से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो गई 3467, 3467। अब इसी से अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी होती तो हम क्या करते? तब भी बिल्कुल आसान सा था, तब हम इन्हीं अंकों में से बड़ी संख्या के लिए बड़े अंक को ढूंढ के लिखेंगे। छोटी संख्या बनाने के लिए हमने छोटे अंक को ढूंढा और बड़ी संख्या बनाने के लिए हम बड़े अंक को ढूंढेंगे। बस अब बताते जाइए इनमें सबसे बड़ा कौन? गुड, सात। सात को लिख दिया हमने और यहां पे क्रॉस कर दिया। अब चार, तीन, छह बचे, तो चार, तीन, छह में सबसे बड़ा कौन? छह। तो लिख दिया हमने छह। अब छह को क्रॉस कर दिया। चार और तीन, चार और तीन में सबसे बड़ा कौन? बिल्कुल चार। यहां चार लिखा, यहां क्रॉस किया, बच गया तीन। तो लास्ट में हमने लिख दिया तीन। ठीक, तो ये था एकदम सिंपल सा तरीका। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी हो या सबसे छोटी अंक संख्या बनानी हो, तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो आप जो है छोटे अंक को ढूंढ करके लिखते जाएंगे, और जिस अंक को यहां लिख देंगे उसको यहां पे काटना मत भूलिएगा। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते जाएंगे तो वैसे भी हमको याद होने लगता है कि हमने ये वाला लिख लिया है, तो क्रॉस वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इन्हीं अंकों को हम ध्यान से देखेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे लिखते जाएंगे, और जिसको लिखते जाएंगे उसको हम यहाँ से क्रॉस करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक वेरिएशन देख लीजिए। अंक दिए हैं पांच, सात, नौ, चार, सात, 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 दो बार है। तो चाहे दो बार कोई अंक दे, चाहे दस बार कोई अंक दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नियम वही रहेगा। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए किसको देखेंगे? सबसे छोटे अंक को। पांच, सात, नौ, चार, सात, सबसे छोटा अंक कौन सा है? चार। चार को लिख दिया, फटाफट करते जाते हैं। अब पांच, सात, नौ, सात, इसमें सबसे छोटा कौन? पांच। पांच को लिख दिया, यहां क्रॉस कर दिया। सात, नौ, सात, तो सात, सात, नौ, इनमें सबसे छोटा कौन? सात और सात, दोनों ही नौ से छोटे हैं और सात दोनों बराबर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सात को आप इकट्ठे लिख दीजिए। ठीक है, और दोनों ही सात को काट दीजिए, बच गया नौ, तो नौ को हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो अंक जो भी रिपीट होंगे जहां पर भी, उन सबको हम इकट्ठा कर देंगे। क्लियर है? अब सबसे बड़े को अगर देखा जाए तो वही तरीका रहेगा। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इन अंकों को हमें क्या करेंगे? हम अंकों में से सबसे बड़ी अंक को ढूंढेंगे। तो इसमें अब सबसे बड़ा कौन सा अंक है? नौ। तो नौ को हम यहां लिखेंगे और यहां से काट देंगे। ठीक, अब नौ तो निकल गया। पांच, सात, चार, सात, सबसे बड़ा कौन? सात। तो दो सात हैं, तो दोनों सात को हम यहाँ पे लिख देंगे और दोनों सात को यहां से हम क्रॉस कर देंगे। बच गया पांच और चार, तो पांच और चार में सबसे बड़ा पांच और लास्ट में बचा चार। ठीक, सबके सब खत्म। एक और वेरिएशन बच जाता है, एग्जाम में ज्यादातर ये वाला आता है या इनमें से भी आते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जो अंक दिए गए हैं उनमें अगर एक जीरो हो तो बिल्कुल, अगर हम जो जीरो है, एक चीज आपको याद रखना होगा हमेशा कि जीरो यदि हम हाईएस्ट प्लेस पे डाल दें, ठीक,
और तो उस जीरो का कोई मायने नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया है 0, 2, 4, तो 0 यहां पे हाईएस्ट प्लेस है ना, हाईएस्ट प्लेस हमारा जो है लेफ्ट से राइट की ओर हम चलते हैं, तो जो मोस्ट में राइट में है वही हमारा हाईएस्ट प्लेस होता है। तो सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च स्थान के ऊपर कभी भी जो है 0 नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस 0 का कोई मान नहीं होता है। तो 3 अंक रहते हुए भी ये संख्या 2 ही अंक की बनती है। इसी कारण से हम यहाँ पे जो है संख्या निर्माण करते समय ध्यान रखेंगे। चलिए पहले हम अपने नियम से ही चलते हैं। इनमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक कौन सा है बताइए, सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0। अब हम लिख देंगे पहले यहां पे 0, लेकिन 0 को जो है यहां पे हम सबसे हाईएस्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 पांच अंक दिए हैं, तो हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है। 0 को अगर हम हाईएस्ट प्लेस पे लिख देंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 4 अंकों की। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 0 को हम लिखेंगे पहले। अब 0 को हमने क्रॉस कर दिया, अब इसमें सबसे छोटा कौन सी होगी, 8, 6, 7, 4 सबसे छोटी अंक कौन सी हुई इसमें, 4। अब हम क्या करते थे, इसके बाद यहां लिखा करते थे कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 को हाईएस्ट प्लेस पे रखने से बचाने के लिए जो अब जो संख्या अंक निकल गई है उसको हम 0 के लेफ्ट साइड में लिख देंगे। लेफ्ट साइड में लिखते ही 0 जो है हाईएस्ट प्लेस से हट गई, बाकी सारे अंकों को हम एज इट इज लिखेंगे। अब 4 को क्रॉस कर दिया, 6, 7, 8 सबसे छोटा 6, 6 को क्रॉस किया और अब यहां पे 0 के बाद लिखेंगे राइट साइड में। 6 हट गया, अब बच गया 8 और 7, 8 और 7 में सबसे छोटा 7 और लास्ट में क्या बचा, 8। सिंपल था ना, मतलब तरीका वही रहेगा, अभी भी हम सबसे पहले छोटे अंक को ही ढूंढेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि छोटे अंक के बाद जो दूसरा हमें मिलेगा उसको हम 0 के लेफ्ट साइड में लिख देंगे, ताकि 0 जो है हाईएस्ट प्लेस पे रहने से बच जाए। बस अब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कोई परिवर्तन नहीं है, 0 चाहे कितना भी रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कौन से अंक को लिखते हैं पहले। बिल्कुल सबसे बड़े अंक को, तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8, तो हम लिख देंगे 8। अब 8 को हमने किया क्रॉस, क्रॉस करना मत भूलिए। 7, 6, 0, 4 इनमें सबसे बड़ा 7, तो लिख देंगे 7। 7 को किया क्रॉस, 6, 0, 4 सबसे बड़ा 6, तो 6। देन 6 को किया क्रॉस, 0 एंड 4 0 और 4 में सबसे बड़ा 4 और लास्ट में 0। तो इस तरीके से अगर हमें अंक दिए होंगे तो हम उन अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अंकों को बिना दोहराए हुए। यहां पर भी हमने अंकों को दोहराया नहीं है, हमें ऑलरेडी 2 बार अंक दिया गया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे अंकों को दोहराते हुए हम कैसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।